जम्मू कश्मीर में हुई शिक्षकों की हत्या को लेकर देश भर के शिक्षकों में उबाल नजर आ रहा है। वहीं मुरादाबाद में सदर कोतवाली क्षेत्र इंपीरियल तिराहे पर राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के तत्वाधान में शिक्षकों ने अपना विरोध जाहिर करते हुए आतंकवाद का पुतला फूंका, साथ ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम का एक ज्ञापन भी सौंपा। शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जम्मू कश्मीर में जिन शिक्षकों की हत्या हुई है उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा और उनके परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही उन्होंने शिक्षकों की सुरक्षा के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की भी मांग की है। क्या कार्यक्रम था, क्या किया आपने? राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ माध्यमिक संवर्ग उत्तर प्रदेश में आज यहाँ आतंकवाद का पुतला फूंका है। अभी 7 अक्टूबर 2021 को जम्मू कश्मीर में कश्मीर की घाटी में श्रीनगर का जो ईदा इलाका है वहाँ एक हायर सेकेंडरी स्कूल में आतंकवादी घुस गए थे और उन्होंने उस हायर सेकेंडरी स्कूल पर हमला किया। वहाँ के एक प्रधानाचार्य सुरेंद्र कौर और वहाँ के शिक्षक दीपक चंद को उन्होंने गोलियों से निर्मम हत्या कर दी है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश की ये मुरादाबाद जनपद की इकाई ने आज इसके विरोध प्रदर्शन में आतंकवाद का पुतला दहन किया है इंपीरियल तिराहे पर और केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय से हमने ज्ञापन भेजकर ये मांग की है कि जो भी इसमें दोषी आतंकवादी हैं जिन्होंने हत्या की है शिक्षकों की, जिन्होंने शिक्षा जगत में आतंक और भय का माहौल बनाने की चेष्टा की है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। शिक्षकों को और कश्मीर के जो आम नागरिक हैं उनको उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो इसमें मृत परिवार हैं, जो मृत लोग हैं, शिक्षक हैं, उनके परिवारजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके आश्रितों को कम से कम 1 साथी नौकरी दी जाए, ऐसी हमने मांग माननीय गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर से की है।